हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्त? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्त, मैंने जो है पॉलिटी में जो है संविधान की विशेषताएं, संविधान के स्रोत, संविधान में जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं उन सभी को मैंने करा दिया है। अब जो भी हम पढ़ाने वाले हैं वो बिहार पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्त, वो है संविधान निर्माण समितियों का गठन। यानी संविधान निर्माण समिति जो बनी थी, कौन सी संविधान निर्माण में कौन सी समिति सहायक थी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है संविधान निर्माण समितियों का गठन, ठीक है ना। तो हम यही आज पढ़ने वाले हैं कि संविधान निर्माण समितियों का गठन कैसे हुआ, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो एग्जामों में समितियों से आते रहते हैं कि कौन सी समिति क्या किया है, कौन संविधान के निर्माण में अपना योगदान दिया है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्त, तो हम यहाँ देखते हैं कि जो संघ समिति है, अगर बात करें संघ समिति, अब देख सकते हैं एक नंबर जो है यहाँ पे संघ समिति की बात की जाए, तो संघ समिति की बात की जाए तो संघ समिति जो है, इस समिति का निर्माण किसने किया था? तो इस समिति का गठन जो किया था संघ समिति का, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। इसके अलावा दूसरा नंबर पर है कि संविधान समिति की बात की जाए, संविधान समिति का गठन जो है किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके अलावा राज्य के लिए जो समिति थी, इसका गठन किसने किया था? तो राज्यों के लिए समिति का गठन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, संघ समिति कहे तो, संविधान समिति कहे तो, या राज्यों के लिए समिति कहे तो, इन तीनों का गठन जो है किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम देखेंगे कि राज्यों के चौथा नंबर देखिए, राज्यों तथा रियासतों से परामर्श समिति का गठन किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ओके। पांचवा नंबर है कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति का गठन किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। तो याद रखना, अभी हमने पढ़ा है संघ शक्ति कहे या संविधान समिति कहे या राज्यों के लिए समिति कहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, राज्य तथा रियासत तो श्री परामर्श समिति का गठन सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक समिति का गठन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रांतीय संविधान समिति का जो गठन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि सातवां नंबर मौलिक अधिकारों पर उपसमिति, मौलिक अधिकारों पर उपसमिति का जो गठन किया था जेबी कृपलानी ने किया था। किसने किया था? जेबी कृपलानी जो थे वो मौलिक अधिकारों पर उपसमिति का गठन किया था, ठीक है। झंडा समिति की बात की, झंडा समिति का जो गठन किया था किसने किया था? जेबी कृपलानी। लेकिन पूछे झंडा समिति जो का जो गठन किया था जेबी कृपलानी, लेकिन इसके अध्यक्ष झंडा समिति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी दोनों थे, ठीक है, याद रखेंगे। प्रक्रिया नियम समिति, या प्रक्रिया नियम समिति जिसको हम संचालन भी बोलते हैं, इसका गठन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो हुआ था सिवान के जीरादेहु नामक स्थान में पर हुआ था, जो कहाँ पे है? बिहार में, ठीक है। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति जो है, इसका गठन किसने किया था? एस एच वर्धाचार्यर। किसने किया था? एच एस वर्धाचार्यर ने किया था, ठीक है। यानी सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति का गठन जो है एस एच वर्धाचार्यर ने किया था, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रारूप संविधान का परीक्षण करने वाली समिति कौन थी? तो प्रारूप संविधान का परीक्षण करने वाली समिति का नाम था अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। प्रारूप संविधान का परीक्षण करने वाली जो समिति थी, उसका अगर बात करें कि उसका जो है गठन किसने किया था, तो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने किया था। प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति का गठन किसने किया था? तो भीमराव अम्बेडकर ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। ये जाति के क्या थे? महाजाति के थे, ठीक है, जिन्होंने संविधान निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है ना। संविधान समीक्षा आयोग की बात की जाए, तो संविधान समीक्षा आयोग के गठन किसने किया था? एम एन वेक्टाचिलिया। किसने किया था? संविधान समीक्षा आयोग का गठन जो किया था एम एन वेक्टाचिलिया ने किया था, ठीक है। तो कुल हमने 14 जो प्रश्न थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त, इन 14 प्रश्न को आप लोग जो है तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
तो आप इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें से अगर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल गया तो आपका एक नंबर जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी दोस्त नए हैं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी जगह शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद दोस्त।